लोहिया कॉलेज चूरू के तमाम विद्यार्थी रेगुलर पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमए, एमएससी, एमकॉम परिवेश और फाइनल, तमाम राजकीय लोहिया महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको सबको मैं बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप लोगों की रेगुलर क्लासें शुरू हो चुकी हैं। सभी विद्यार्थी समय पर रेगुलर और डेली कॉलेज जाएंगे और अपनी क्लास अटेंड करेंगे। आपको इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अधीन कॉलेज से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जिस विद्यार्थी की एक साल के अंदर 75% अटेंडेंस अगर पूरी नहीं होती है तो उस विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। अगर वो विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहता है तो इसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, इसकी जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी एजुकेशन विभाग की नहीं होगी। अगर कोई भी विद्यार्थी अपनी 75% अटेंडेंस को पूरा नहीं करता है तो इस गलती का जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा। इसलिए मेरे तमाम राजकीय लोहिया महाविद्यालय, राजकीय गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और अन्य राजस्थान की जितनी भी सरकारी कॉलेज हैं उनके सभी विद्यार्थियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी एजुकेशन को रेगुलर कॉलेज में जाकर ही मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो आपका बहुत सा अनुभव बढ़ेगा, आपको एक पढ़ने के साथ साथ एक माहौल मिलेगा, आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग कॉलेज रेगुलर नहीं जाओगे तो आप हर चीज़ से वंचित रहोगे। नई शिक्षा नीति के आधार पर अब की बार आपके सेमेस्टर लागू हैं। सेमेस्टर में आपकी दो परीक्षाएं होंगी, एक परीक्षा आपकी लिखित में होगी और एक परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। अगर आप कॉलेज में रेगुलर नहीं जाते हैं तो आपको ना सिलेबस की जानकारी होगी, ना आपको परीक्षा की जानकारी होगी, ना आपको ये पता होगा कि ओएमआर शीट पर आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, ना आपको लिखित में जो परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र का पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग समय पर रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दीजिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके गार्जियन भी यही बात बोलते हैं, जो विद्यार्थी भी यही बोलते हैं कि हमें कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होने के बाद रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ज़माना जो है वो पीछे चला गया। ये 2023 से पहले की जानकारी थी कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2023 में जो नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति में जो सरकार ने नए कदम उठाए हैं उसमें स्पष्ट और क्लियर गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी है कि जो विद्यार्थी कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस को अगर पूरा करता है तो ही उसको परीक्षा में बिठाया जाएगा, वरना उसको परीक्षा से वंचित रखा जाएगा, वो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जिस विद्यार्थी की अटेंडेंस सरकार के रिकॉर्ड में यानी पोर्टल पर अगर 75% अपडेट नहीं होती हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने से वंचित रहे, अपना भविष्य खराब कर ले, अपना कैरियर खराब कर ले, क्योंकि आपका रेगुलर एडमिशन है और रेगुलर एडमिशन बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने इंटेलिजेंट होकर आप अपना भविष्य अपने हाथों से ख़राब कर लें। इसलिए आप लोग समय पर रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और अपने सिलेबस की, अपने पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी जो है वो क्लास में बैठकर एकदम सही तरीके से उसको मेंटेन कीजिए, ताकि आपको साल में जो दो एग्ज़ाम देने होंगे, सेमेस्टर के दो एग्ज़ाम लगेंगे, एक ओएमआर शीट पर पहला एग्ज़ाम जो दिसंबर में होना था वो अभी जनवरी में होगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका जून या जुलाई में होगा, मई या जून में होगा, जिसकी डेट अभी आई नहीं है। जैसे ही डेट आएगी इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। इसलिए तमाम सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि प्लीज़ आप लोग समय पर कॉलेज में रेगुलर जाना शुरू कर दें और अपनी अटेंडेंस और अपनी क्लास को रेगुलर मेंटेन करना शुरू कर दें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।